लोहड़ी, वैशाखी, और गुरु नानक जयंती, और गुरु गोविंद सिंह जयंती। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्यतः इनमें से सवाल बनते हैं, तो हम इन्हीं को देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती, लोहड़ी का त्योहार, चौदह जनवरी जब हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं उससे एक दिन पूर्व, यानी चौदह जनवरी की पूर्व संध्या, तेरह जनवरी की शाम को ये मनाया जाने वाला त्योहार। ये त्यौहार में मनाए जाने के पीछे अलग अलग पौराणिक कहानियाँ हैं, जिसमें राजा दक्ष की पुत्री सती, जो अग्निदाह किया था पति के अपमान में, तो उस स्मृति में भी मनाया जाता है। इसमें बहन बेटियों को बुलाया जाता है, उन्हें गिफ्ट उपहार दिए जाते हैं इस दिन, और साथ ही साथ ये एक इस अवसर पर एक दुल्ला भट्टी, ये मसीहा डाकू था जो स्त्रियों की रक्षा करता था, बहन बेटियों की रक्षा इन्होंने की दुल्ला भट्टी ने, तो इनके नाम से भी ये त्योहारों में अलग अलग गीत गा करके ये त्योहार मनाए जाते हैं। अग्नि प्रज्वलित होती है, उसके चारों ओर जो नवविवाहित जोड़े हैं वो भी प्रार्थना करते हैं, और दुल्ला भट्टी के भी खूब सारे गीत गाए जाते हैं। वहीं ये त्यौहार के दिन रेवड़ी बनाई जाती है, तिल और मूंगफली के व्यंजन बना करके, और सर्दी के अवसर पर, क्योंकि इस समय 13 जनवरी पर सर्दी तो है ही है, तो इन सब स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को मिठाई के रूप में खाया जाता है। तो लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी यानी मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है। अगले त्यौहार की बात करते हैं, वैसाखी का त्यौहार। वैशाखी का पर्व 13 अप्रैल को मनाया जाता है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे तो ये फसल कटाई के उपलक्ष में मनाया जाता है, या फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है, लेकिन 13 अप्रैल 1699 में, यानी 13 अप्रैल के दिन ही गुरु गोविंद सिंह ने
खालसा पंथ की स्थापना की? और इस खालसा पंथ की स्मृति में ही यह त्योहार भी मनाया जाता है। क्या होता है खालसा पंथ? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को लड़ना भी सिखाया, क्योंकि इन सिख गुरुओं ने मुगलों से भी बहुत संघर्ष किया अपनी धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में की थी। तो इस दिन की स्मृति में भी ये बैसाखी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है और फसल भी कट रही है तो भगवान को शुक्रिया अदा भी करना है। अन्न पैदा हुआ है, अन्न से पैसा आएगा, तो ये सब का शुक्रिया अदा करते हुए झूमते हैं, डांस करते हैं, भांगड़ा गिद्दा। तो ये बैसाखी का त्यौहार। आगे अपन बात करते हैं गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती इनका जन्म 1469 में तलवंडी तलवंडी ये अभी पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में, और अब तलवंडी को इनके जन्म के बाद ननकाना साहब बोला जाता है। तलवंडी में हुआ और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये जयंती मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन इस पवित्र आत्मा का जन्म हुआ था। तलवंडी, ये तलवंडी पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में, और अब इसे कहते हैं, तलवंडी का ही नाम है ननकाना। इन्होंने करतारपुर शहर बसाया, ये भी पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव ने बसाया करतारपुर शहर, और करतारपुर में ही इनका निधन हुआ, यानी देहांत करतारपुर में हुआ, और ये भी पाकिस्तान में है करतारपुर। गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और अब इसे ही गुरु माना जाता है। 10 गुरु के बाद गुरु का पद समाप्त कर दिया गया। तो गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, और कार्तिक पूर्णिमा वैसे ही बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती। आपका जन्म तलवंडी में हुआ था, लेकिन तलवंडी वर्तमान में
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जिसे ननकाना नाम से जाना जाता है। और आपका निधन 1539 में करतारपुर में हुआ था, जो आपने ही बसाया था। और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी गुरु नानक देव ने की थी। तो ये गुरु नानक जयंती है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह की बात आती है, तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु है, 10वें गुरु हैं। इनकी जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाते हैं। पौष शुक्ल सप्तमी को मनाते हैं। 13 अप्रैल सोलह सौ 1699 में इन्होंने खालसा दल की स्थापना की या खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने गुरु पद समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को ही अकाल गुरु घोषित कर दिया। इनकी आत्मकथा विचित्र नाटक है और इन्होंने औरंगजेब, मुगल सम्राट औरंगजेब को चुनौती भरा पत्र लिखा था, जो काव्यात्मक ढंग से था। उसे जफरनामा नाम से जाना जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने इन पर भी इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला था, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया और संघर्ष का रास्ता अपनाया। तो औरंगजेब को जफरनामा औरंगजेब को लिखा गया पत्र किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह द्वारा औरंगजेब को लिखा गया पत्र। किस नाम से जाना जाता है? जफरनामा। ये बात थी गुरु गोविंद सिंह की। ये थे हमारे सिख धर्म के त्यौहार। त्यौहारों का कोई भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि बैसाखी पूछी जाती है, लोहड़ी भी पूछी जाती है, लेकिन जयंती भी पूछी जा सकती है। और वैसे भी इनकी डिटेल आप भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, वहाँ पे सिख धर्म में आ ही जाएंगे ये सब डिटेल से।
तो हमारे त्योहारों में परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तिथि महत्वपूर्ण है और ये चारों त्योहार आप सिख धर्म में याद रखिएगा। अगली क्लास में हम सिंधी त्योहार और ईसाइयों के त्योहार पढ़ेंगे। जय हिंद।